गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद तालिब, लेक्चर ऑफ इंग्लिश गाने विद्यालय इंटरकाले मनी धन रहा स्टूडेंट। वी आर डूइंग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कर रहे हैं। इन द लास्ट वीडियो, पिछली वाली वीडियो में आई एक्सप्लेन टू यू द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। पिछली वीडियो में मैंने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की डेफिनेशन एक्सप्लेन की, एंड टूडे विल डू द एक्सरसाइज ऑफ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, और आज हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज ऑफ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है, राकेश says to me, you are a very good man. Rakesh says to me, you are a very good man. अब देखिए रिपोर्टिंग में क्या है, प्रेजेंट में है, और जब रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में होती है तो इसका टेंस चेंज नहीं होता। Rakesh says to me, you are a very good man. तो says to का क्या है, टेंस हो जाएगा, Rakesh tells me। अब देखिए यू आर, यू क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रनाउन है। जो सेकेंड पर्सन का प्रनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। सेस टू से पहले सब्जेक्ट कहलाता है, सेस टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यू आर आई है सेकेंड पर्सन का प्रनाउन, और सेकेंड पर्सन का प्रनाउन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, लेकिन मी के हम सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि इसके बाद में वर्ब आ रही है, वर्ब से पहले हमेशा प्रनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने मी का क्या कर दिया, आई। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर आर प्रेजेंट में प्रेजेंट फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे। आई के साथ एम यूज करते हैं हम प्रेजेंट में, तो एम लगा दिया। क्यों, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो टेंस चेंज नहीं करते। यहाँ पर प्रेजेंट की फॉर्म है इज आर एम, ओके, इज आर एम प्रेजेंट की फॉर्म है, और आई के साथ हम प्रेजेंट फॉर्म जो है एम लगाते हैं, तो एम लगा दिया। राकेश टेल्स मी दैट आई एम अ वेरी गुड मैन, राकेश मुझसे कहता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अगला देखिए, सीता सेड टू राधा, सीता ने राधा से कहा, आई शुड बी रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही होंगी। अब सेड टू का क्या है, टोल्ड कर रही है, सीता टोल्ड राधा, इनवर्टेड कॉमा के दैट। अब देखिए आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है, सीता। मैंने अभी बताया कि सेड टू से पहले सब्जेक्ट और सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, सीता, और सीता एक लड़की है, लड़की के लिए शी यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। मैंने कल बताया गया, अगर रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो शैल होगा तो शुड कर दोगे, विल होगा तो वुड कर दोगे, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में हम शैल के साथ, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में शी के साथ हम विल का यूज करते हैं, शी के साथ विल का यूज करते हैं। तो उसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, विल की, वुड। इसीलिए हमने शैल का शुड ना करके वुड किया है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में शैल के, शी के साथ हम विल का यूज करते हैं, और विल की पास्ट फॉर्म जो है वुड होगी। जब रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो विल का वुड और शैल का शुड हो जाएगा, लेकिन शी के साथ हम विल यूज करते हैं तो उसकी पास्ट फॉर्म यूज करेंगे वुड। She would be reading a book. Sita told Radha that she would be reading a book. Sita ने राधा से कहा कि वो किताब पढ़ रही होगी। तो बाद के सेट टू के टोल्ड कर दिया, इन्वर्ट कॉमा के दैट, आई की जगह आपने जो है शी यूज किया, क्योंकि सीता है सब्जेक्ट और लड़की के लिए शी। अब यहाँ वुड आपने क्यों यूज किया, दोबारा देखिए कि इसलिए कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में या फ्यूचर इंडेफिनेट में आप शी के साथ विल यूज करते हैं, उसकी पास फॉर्म वुड होगी, शी वुड बी रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट देखिए, हरी इज सेइंग टू मी, हरी मुझसे कह रहा है। अब यहाँ रिपोर्टिंग व प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है, तो कल बताया था अगर रिपोर्टिंग व प्रेजेंट प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस वैसे ही रहने देना है, सिर्फ प्रनाउंस को चेंज करना है। हरी इज सेइंग टू मी, हरी इज टेलिंग मी, हरी इज टेलिंग मी। अब इन्वर्टेड कॉमा के अगर दैट लगाया, अब देखिए यहाँ आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है, किसके मुताबिक चेंज होगा, सब्जेक्ट के। कल मैंने बताया था कि सेइंग टू से, सेइंग टू से पहले, सेट टू से पहले, सेस से पहले जो लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट, और सेट टू के बाद, सेइंग टू के बाद, सेस टू के बाद जो लिखा हुआ होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फर्स्ट पर्सन का प्रनाउन है आई, और ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन है, हरी, हरी क्या है, लड़का और लड़के के लिए ही यूज करेंगे। अभी मैंने बताया था कि देखिए शी के साथ विल यूज करते हैं और ही के साथ भी विल यूज करते हैं फ्यूचर में। अगर आई होता तो शेल यूज करते, ही है तो विल यूज करोगे, ही विल यूज। अब देखिए योर आ रहा है, योर क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रनाउन है, सेकेंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा,
ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि पजेसिव फॉर्म यूज करेंगे, जैसे योर पजेसिव फॉर्म है ऐसे ही मी की पजेसिव फॉर्म क्या है, माय, तो ही विल यूज माय मोटरसाइकिल एज, क्योंकि हिज स्कूटर, माय स्कूटर क्या है, हिज स्कूटर हो जाएगा, क्योंकि माय क्या है, फर्स्ट पर्सन पजेसिव फॉर्म, किसके मुताबिक चेंज होगा, हरी के मुताबिक, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का परिणाम हमेशा जो है सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, हरी, हरी की पजेसिव फॉर्म क्या है, हिज स्कूटर इज नॉट इन वर्किंग ऑर्डर, हरी इज टेलिंग मी, हरी मुझसे कह रहा है दैट ही विल यूज माई मोटरसाइकिल, कि मेरी मोटरसाइकिल यूज करेगा एज, क्योंकि हिज स्कूटर इज नॉट इन वर्किंग ऑर्डर, क्योंकि इसका स्कूटर जो है ठीक नहीं है। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, द टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास में है तो इसका टेंस चेंज होगा, लेकिन टेंस चेंज करेंगे नहीं क्योंकि ये फैक्ट है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ये फैक्ट है, और जो फैक्ट होता है वो उसी टेंस में रहने देते हैं जिस टेंस में है। तो यहाँ सेट टू के बस टोल्ड कर दोगे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट इन बेड कोमा के दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर सेट टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, अब सेट टू है पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब तो इसका टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है पास्ट परफेक्ट कर दोगे। तो द डॉक्टर सेट टू का टोल्ड, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट इन वर्टिकल कोमा के दैट लगाएंगे, अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, सेट टू से पहले सब्जेक्ट, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट, ऑब्जेक्ट द पेशेंट। तो पेशेंट आपने आदमी मान लिया और आदमी के लिए आप ही यूज करोगे, अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट के पास्ट परफेक्ट कर दोगे, पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, हैड थर्ड फॉर्म या हैव का हैड कर देना आपको, ही हैड सफर्ड अ लॉट, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट दैट ही हैज सफर्ड अ लॉट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैव का हैड कर देना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट का आपने पास्ट परफेक्ट कर दिया, सेट टू क्या कर दिया, टोल्ड। नेक्स्ट, मेक अ करेक्शन प्लीज, इन प्लेस ऑफ राजीव राइट राकेश, आई से टू राजीव, मैं राजीव से कहता हूँ, आई हैव बोरोड, मैंने उधार लिया है सम मनी, कुछ पैसा फ्रॉम यू, तुमसे, फॉर थ्री मंथ्स, तीन महीने के लिए मैंने कुछ पैसा उधार लिया है तुमसे, मैं राजीव से कहता हूँ, तो आई सेस टू को क्या कह दोगे आप, टेल, आई टेल राजेश दैट, इन्वर्टेड कॉमा के अगर दैट आई आ रहा है तो आई ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है, आए तो आई ही रहेगा, सेस टू से पहले सब्जेक्ट, सेस टू के बाद ऑब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है, आए, क्योंकि ये प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस वैसे का वैसा ही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम हिम हो जाएगा, क्योंकि यू है यहाँ पर, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट कौन है, राजीव, राजीव एक लड़का और लड़के के लिए हम यू ही यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि प्रपोजिशन के बाद में आ रहा है तो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी, हिम कर देंगे, आई टेल राजेश दैट आई हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम हिम फॉर थ्री मंथ्स। नेक्स्ट देखिए, तारा सेड टू बलराम, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तारा ने बलराम से कहा, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका टेंस चेंज होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये नेचुरल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो टेंस वैसे का वैसे ही रहने देना है जो यहाँ पर है, जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो टेंस वैसे का वैसे ही रहने देता है, हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में टेंस चेंज होना चाहिए, लेकिन टेंस हम चेंज करेंगे नहीं क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो टेंस वैसे का वैसे ही रहने देना है जो यहाँ। अब तारा टोल्ड बल, तारा सेट टू आ रहा है तो सेट टू का आपको टोल्ड कर देना है, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह डेट लगा देना है, बाकी वैसे ही लिखना है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। नेक्स्ट देखिए, द लेक्चर सेट टू गर्ल्स, लेक्चर ने गर्ल्स से कहा, प्रवक्ता ने गर्ल्स से कहा, लड़कियों से कहा, आई एम लीविंग जयपुर फॉर एवर, मैं जयपुर छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जो पास्ट में होती है तो इसका टेंस चेंज होगा, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है फिलहाल इसका पास्ट कंटीन्यूअस कर देंगे हम, सेट टू की जगह टोल्ड कर देंगे, द लेक्चर टोल्ड गर्ल्स, अब इन्वर्टेड कॉमा के अगर दैट लिख देंगे, अब यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट कौन है, लेक्चर, सेट टू से पहले जो लिखा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट कहलाता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन है, लेक्चर, लेक्चर आदमी माना आपने तो ही यूज करोगे, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस कर दोगे, ही वो लिविंग जयपुर फॉरएवर। नेक्स्ट देखिए,
ग्रैंडफादर सेट, ग्रैंडफादर ने कहा, आई हैव लॉस्ट माई आई साइट, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। द ग्रैंडफादर सेड, सेट का सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के डेट लगाया, यहाँ आया रहा है क्या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के लिए आपने ही यूज़ किया, या प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट का आपने पास्ट परफेक्ट कर दिया, या हैव का हैड कर दिया। एंड लॉस्ट माई आई साइट क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म है, ही की पॉजिटिव फॉर्म क्या हो, आई की पॉजिटिव फॉर्म माई थी, ही की पॉजिटिव फॉर्म हिज, ही हैड लॉस्ट हिज आई साइट, ग्रैंडफादर सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज आई साइट, ग्रैंडफादर ने कहा कि वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। द जज सेट, जज ने कहा अब देखिए रिपोर्टिंग वो पास में है तो इसका टेंस चेंज होगा, फिलहाल क्या है पास्ट इंडेफिनिट, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, नेगेटिव है तो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बन जाएगा। द जज सेट, द जज सेट, जज ने कहा, सेट का सेट ही रहेगा, सेट टू होता टोल्ड हो जाता। अब देखिए यहाँ पर क्या इन्वर्टेड कॉमा के डेट लगा दिया, द लॉयर, अब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट कर दोगे, हैड नॉट कम, पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, नेगेटिव है तो नोट लगा दिया, द लोअर हैड नॉट कम टू द हाई कोर्ट यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर दिया। द जज सेड, जज ने कहा दैट द लोअर हैड नॉट कम टू द हाई कोर्ट द प्रीवियस डे, जज ने कहा कि लोअर हाई कोर्ट नहीं आया था पिछले दिन। तो ये 10 हो गए, बाकी 5 आपको करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।